सबसे पहले जानते हैं यार ऑब्स एंड गाइनी में करना क्या होता है। एक पार्ट रहता है ऑब्स, दूसरा पार्ट रहता है गाइनी। जो आपका थ्योरी पेपर होगा उसमें एक पार्ट में ऑब्स आएगी, दूसरे में गाइनी आएगी। तो आपने जब भी ऑब्स पढ़नी है तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है, इसका प्रोसेस कैसा है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्राइमेस्टर कितने रहते हैं, बिल्कुल बेसिक। अगर क्लिनिक्स में है तो लियोपॉड कैसे करते हैं, एनाटॉमी में देखना है आपकी यूट्रस की कैसे होती है, सर्विक्स की कैसे होती है, क्योंकि फाइनल में आपसे बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं। इवन लोगों से ये भी पूछा गया कि कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है, तो दे आर नॉट एबल टू आंसर इट, ठीक है। बाकी जो सबसे कोर टॉपिक रहते हैं प्रेगनेंसी में, जिस पे लॉन्ग केस भी आता है, वो मैंने लिखे हैं बॉक्स के अंदर। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अनीमिया, एपीएच, ब्लीडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्विन प्रेगनेंसी, ब्रीच, नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी, सीजेरियन सेक्शन, फर्स्ट एपिजियोटमी, लेबर अच्छे से करनी है, उसके सारे मैंने स्टेजेस की मैनेजमेंट करनी है, इवन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। बाकी परप्यूरियम क्या होता है, पायरेक्सिया, परप्यूरियल पायरेक्सिया क्या होता है, इंडक्शन ऑफ लेबर कैसे करते हैं, एन्यूप्लॉइड स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, आरएच आईसी इम्यूनाइजेशन क्या होता है, आईयूजीआर अनीमिया क्या होता है, आरपीएल मीन्स रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं तो क्या करना है, प्री टर्म ये क्वेश्चन आते हैं, कार्डिक डिजीज, प्री टर्म और कार्डिक डिजीज हमें फाइनल में क्वेश्चन आया था, बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, आप पढ़ो। मैरो है, प्रेपलेटर है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो ये बॉक्स वाले क्वेश्चन है, इसके लॉन्ग केसेस आपको मिलेंगे क्लिनिक्स में भी, आप इन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि यही मिलते हैं। बाकी जो बेसिक अप्रोच रहती है, फॉर्मेट जो रहता है, डाइट विद ऑल ट्राइमेस्टर हिस्ट्री, वो भी बार बार पूछी जाती है, आप उसको पढ़िए। बाकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं प्रेगनेंसी की, पार्टोग्राफ क्या होता है, एनएसटी क्या होता है, इवन मैंने यहाँ पे बायोफिजिकल प्रोफाइल वगैरह नहीं लिखा है, बिशप स्कोर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग्स, ये सारे वाइवा में पूछे जाते हैं ना, ट्यूबल पटेंसी टेस्ट, रेडियोलॉजिकल क्या क्या यूज़ होते हैं ऑब्स में, लेबर का मैकेनिज्म क्या होता है, फीटल स्कल एंड पेल्विस वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने इन्हें अच्छे से नहीं किया था तो हमें फाइनल में ये अच्छे से पूछते हैं, वो लोग करके डिलीवरी करके दिखाओ, है ना। तो मेटर्निटी जाते हो तो ये बेसिक चीज़ें आप पढ़िए, देखिए, और धीरे धीरे समझ आती है, एकदम से नहीं आ जाती ऑब्स का नहीं समझ, बट ये कोर अगर आपने अप डाउन पेल्विस अच्छे से पढ़ा है, आप उस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से कवर करते हैं तो इट शुड बी कवर्ड। एंड गाइनी में जो है उसमें सिंपल टॉपिक्स हैं, कुछ वही है पूछे जाते हैं, जैसे माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, एनाटॉमी क्या रहती है, पेल्विक यूरेटर क्या रहता है, शॉर्ट केसेस जो मिलते हैं फाइनल में, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड का मिल सकता है, मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, इन्फेक्शंस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एसटीडी अप्रोच क्या रहती है, फाइब्रॉइड, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर से कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ते हैं बट फिर भी फाइनल ईयर तक हम अच्छे से आंसर नहीं दे पाते, ड्रग्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इनके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे से करने हैं, ड्रग्स अच्छे से करने हैं, फाइनल वाइवा बहुत कैरी करता है वेटेज, इनफर्टिलिटी पता होनी चाहिए, प्रोलैप्स क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एमिनोरिया क्या होता है, सिर्फ इतना सा सिंपल होता है ऑब्स एंड गाइनी। समय लगता है ना, आपके घर में रिलेटिव हैं वो आपसे पूछते हैं, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ऑब्स और पीडिया बहुत यूज़ आते हैं, तो ये तो सब लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।